दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि Vivo U20 जो कि लेटेस्ट मॉडल है, इस मोबाइल को मेरे सब्सक्राइबर ने जो है MRT में, UMT में, मेडिकल में, सब में ट्राई किया लेकिन अनलॉक नहीं कर पाया। इस मोबाइल में जो है पैटर्न लॉक और FRP दोनों था, ठीक है। तो इस मोबाइल को हम यहां से अभी ऑनलाइन अनलॉक करेंगे अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पर और आपको दिखाएंगे कि अनलॉक टूल के माध्यम से हम किस तरह से उस मोबाइल को अनलॉक करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको ये टूल बाय करना है तो आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनलॉक टूल में मैं लॉग इन हूँ और मैं अपने सब्सक्राइबर कंप्यूटर में हूँ और उन्होंने जो अपने मोबाइल को एडियल मोड में लगा रखा है, ठीक है। तो एडियल मोड में लगाना है आपको, पोर्ट पे क्लिक करके आपको एडियल पॉइंट सेलेक्ट करना है, एडियल क्वालकॉम 9000 पोर्ट सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे रिसेट टू एडियल ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ये काम नहीं करेगा ये ऑप्शन, ठीक है। अनलॉक कैसे करना है मैं बताता हूँ। ओप्पो आप देख रहे हैं ऊपर में, ओप्पो के नीचे जस्ट स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है, स्नैपड्रैगन टूल को सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद सर्वर पर चेक लगाना है और यहाँ पे आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्रांड वीवो कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। तो वीवो U20 इस मॉडल को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए इस मॉडल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन है। अगर आपके मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ है तो आप यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करके जो है फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं और पिन पैटर्न जो भी रहेगा वो रिमूव हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और मान के चलिए अगर आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट है, FRP लॉक है, तो आप इससे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, इरेज FRP, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है, एक है आपका फैक्ट्री रिसेट करने के लिए नीचे वाला, ऊपर वाला ऑप्शन है इरेज FRP निकालने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल सर्वर से अटैच हुआ और ऑटोमेटिकली जो इसका बूटलोडर डाउनलोड हुआ, ऑटोमेटिकली इस मोबाइल का जो यहाँ से जो फैक्ट्री रिसेट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप जो है वीवो के मॉडल को जो है ऑनलाइन वाले सेट को आप अनलॉक कर सकते हैं अनलॉक टूल से। अगर आपको ये टूल खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे आप वहाँ पर जाकर के बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।